अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एरियल सर्वे करते हुए मेडिगट्टा बैरज का किया मायना। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के चरलापल्ली के हॉस्टल में 8 साल लड़के का खतल। दिल्ली और NCR में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज। फारूक अब्दुल्ला ना नजरबंद ना हिरासत में, पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। और दिल्ली के जाकिर नगर में आतिशबाजी का वाकया, 6 अफराद हलाक, मुतवफियों में बच्चे भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एरियल सर्वे करते हुए मेडिगट्टा बैरेज का मायना किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों के हमरा मेडिगट्टा में दरियाए गोदावरी के बहाव पर तफसीलात से वाकफियत हासिल की। बाद अजां सुंदला बैरेज गौलीवाड़ा पंप हाउस का भी उन्होंने मुशाहिदा किया। उनके हमरा रियासती वजीर पंचायत राज इर्रबल्ली दयाकर राव और जी वेंकट राम रेड्डी ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और उनके हमरा मौजूद थे। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल हो गई है। आज गांधी हॉस्पिटल में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद अजां हॉस्पिटल के अहाते में मरकजी वजीर हर्षवर्धन का अलामती पुतला तैयार करते हुए अर्थी जुलूस निकाला गया और कॉलेज के अहाते में उस अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इत्तला के साथ ही पुलिस गांधी हॉस्पिटल पहुँच गई और डॉक्टर्स बाहर ना जाएँ उसके लिए पुलिस का बंदोबस्त किया गया। सिकंदराबाद पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के तुलबा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क़यादत में एहतजाज किया और कॉलेज के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़म किया। ABVP सिकंदराबाद के सदर जीवन ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीला से वाकिफ करवाते हुए कहा कि डिग्री साल अव्वल के तुलबा की क्लासेस नहीं चल रही हैं। प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के दरमियान जारी रंजिश का असर तुलबा की तालीम पर असरअंदाज हो रहा है। July 5 से तालीम का आगाज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी क्लासेस नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुलबा के साथ इंसाफ करते हुए तालीम का आगाज़ नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। ईरोजु सिकंदराबाद PG कॉलेज लो कॉलेज मొత్తాన్ని बंद చేయడం జరిగింది। ఎందుకోసం అంటే ప్రిన్సిపల్ మరియు HOD మధ్య విభేదాల కారణంగా July 5 కి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నూతన విద్యార్థులు క్లాసు స్టార్ట్ కావాలి, కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఒక క్లాస్ కూడా ఇంతవరకు జరగలేదు కాబట్టి విద్యార్థులు చాలా నష్టపోయారు। అదేవిధంగా విద్యార్థులు నూతన విద్యార్థులు HOD కానీ వాళ్ళ యొక్క సార్లను కానీ ప్రిన్సిపల్ని కానీ రిజిస్టర్ని VC అందరినీ కలిసినా కానీ ఒక్కరు కూడా ఒక సమాధానం ఇవ్వలేదు। కాబట్టి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బంద్ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఇమీడియట్లీ పైనుంచి దిగొచ్చిన రిజిస్టర్ VC వీళ్ళతో చర్చలు జరిపి ప్రిన్సిపల్ HOD చర్చలు జరిపి ఇమీడియట్లీ క్లాసులు తీసుకోవాలని చెప్పారు, కానీ ఈ సమస్య వాళ్ళకి తెలవాలి కానీ విద్యార్థులు అడిగితే కానీ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ కేవలం HOD ప్రిన్సిపల్ ఉన్న తగాదాల మధ్య వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఈగో వల్ల ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది తప్ప ఇంకోటి మరొకటి ఏది కాదని ABVP డిమాండ్ చేస్తుంది। లేకపోతే ఇమీడియట్ క్లాసులు తీసుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు రోడ్డు మీద కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నాం। गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 दिन से जारी हड़ताल और धरने की प्रोफेसर कोदंडाराम ने तायीद की है और उन्होंने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर उन डॉक्टर्स का साथ दिया। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल की एक सुई के लिए वो डॉक्टर शंकर की क़यादत में एक कमेटी बनाते हुए उन मसाइल की एक सुई के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में 3 दिन के अंदर एक इजलास मुनक़िद करते हुए जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल को दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। మేము కొంచెం లోగోగా అనిపిస్తుంది ఆరో రోజు ఇవాళ డాక్టర్లు 6 రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నా, వాళ్ళు కోరుతున్నది ఏంటంటే NMC బిల్లులో కొన్ని మొత్తము కేవలం ఏదో డాక్టర్లకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కాదు, మొత్తం భారతదేశ వైద్య వ్యవస్థ ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ అనేది దానికి గొడ్డలి పెట్టుగా పరిణమించగల సెక్షన్లు కొన్ని ఉన్నాయి, 32, 15, 50, 51 ఇట్లాంటివి చాలా చెప్తా ఉన్నారు। ఇట్లాంటి ప్రకరణల విషయంలో మరి నిర్ణయాలు చేయటం అనేది దురదృష్టకరం। ఇంత చదివినాక అందులో నాకు చాలా విచిత్రమైన క్లాజ్ ఏమనిపిస్తున్నది అంటే 5 ఏళ్ళు చదువుతారు, హౌస్ సర్జన్ చేస్తారు, అన్నీ అయినాక మళ్ళీ పరీక్ష పాస్ అయితే నేను డాక్టర్ లేకుంటే లేదు అనే ఒక క్లాజ్ పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది। అది చాలా విడ్డూరమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి క్లాజ్,
ఐదేళ్ల పరీక్షకు అర్థం లేకుండా పోతున్నది. ఇట్లాంటి ప్రకరణలను సడలించి తొలగించి సవరించి ఈ బిల్లును మరి మొత్తంగా ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ పెంపొందటానికి ఒక ప్రభుత్వ అధీనంలో ప్రజలకు సరి అయినటువంటి వైద్యం అందించగలిగేటువంటి ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను పెంపొందించడానికి తోడ్పడే విధంగా వాళ్ళు నిర్ణయాలు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. सैदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ई हो गई. तफसीलात के मुताबिक बाइक पर जा रहे रवि यादव नामी नौजवान को GHMC कचरे की लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मुकामी हादसे पर ही रवि यादव की मौत वाक़ई हो गई. हादसे के बाद लारी ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया. इत्तला के साथ ही सैदाबाद पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुँच कर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल करते हुए मफलूर लारी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. महात्मा गांधी बस स्टैंड के अगली हिस्से में हुए हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक और शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तला है. तफसीलात के मुताबिक MGBS के अगली हिस्से में वाक़ डंपिंग यार्ड में कचरे से लदी लारी तवाजुन बरकरार रखते हुए पलट गई, जिसके सबब लारी ड्राइवर 52 साल आरिफुद्दीन की मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 38 साल हेल्पर हाजी खां को ज़ख्मी हालत में बगर्ज़ इलाज दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया है. अफजलगंज पुलिस ने इत्तला के साथ ही मुकामी हादसे पर पहुँच कर नाश को बगर्ज़ पोस्ट मार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. हैदराबाद में एक 15 साल तालिब इल्म उस वक्त सड़क हादसे में हलाक हो गया जब वो रोज़ की तरह सुबह अखबार डालने जा रहा था. 15 साल अभिमन्यु साकिन मल्लिकार्जुन नगर नल्लाकुंटा खानगी स्कूल में जेर तालीम था. लड़का हसूल तालीम के साथ साथ रोज़ाना सुबह अखबार डाला करता था. आज सुबह 5 बजे वो अखबार डालने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई. रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के चल्लापल्ली मंडल में 8 साल लड़के के कत्ल की वारदात पेश आई. चल्लापल्ली मंडल के BC हॉस्टल में मुकीम 8 साल आदित्य की नाश आज हॉस्टल में बाथरूम के पास मुश्तबा हालत में खून में लथपथ दस्तियाब हुई. लड़के के गले के पास तेज़ धारदार हथियार से हमले का निशान मौजूद है. पुलिस को शुबा है कि किसी ने लड़के का कत्ल कर दिया है. लड़का 3री जमात में ज़ेर तालीम था. मुख्तलिफ जावियों से उस वाक़े की तहकीक़ात की जा रही हैं. अंबेडकर उर्दू न्यूज़ में अब वक्त है कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों का. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को वाज़े किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला को ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही नज़रबंद किया गया है. वो अपनी मर्ज़ी से घर में हैं. जम्मू कश्मीर तश्कील नौ बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान कई अराकीन पार्लियामेंट ने फारूक अब्दुल्ला की गैरहाज़िरी के सिलसिले में तशवीश ज़ाहिर की थी. उन्हें अंदेशा था कि उन्हें नज़रबंद या गिरफ़्तार किया गया है. वज़ीर दाखिला ने 3-4 मरतबा वजाहत की कि फारूक अब्दुल्ला को ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही नज़रबंद किया गया है. एक मौके पर उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की समाअत की लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच उस मामले की समाअत की. उस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा SA बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SA नज़ीर शामिल हैं. अदालत में समाअत के दौरान उस मामले का एक फरीक निर्मोही अखाड़े ने बताया कि मुतनाज़ा मुकाम पर उसका कब्ज़ा है और वो काफ़ी अरसे से उसका इंतज़ाम और रामलीला की पूजा कर रहा है. निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील कुमार जैन ने अदालत को बताया कि राम की जाय पैदाइश पर पहले से ही इसका कब्ज़ा रहा है. वो लोग यहाँ पर पूजा और जन्म स्थान का इंतज़ाम करते हैं. समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जब जैन से कहा कि वो अपने दावे को साबित करें तो उन्होंने दलील दी कि ये मामला राम जन्मभूमि के अंदरूनी हिस्से तक महदूद है. कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR में मंगल की सुबह तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया और आवाम को अपने दफातर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक 12.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी और कम अज़ कम दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का अमूमी दर्ज हरारत है. महकमे मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर सुबह 8:30 बजे तक नमी की सतह 97% रही.
قومی دارالحکومت دہلی کے ذاکر نگر علاقے میں ایک ہمہ منزلہ عمارت میں محیب آتش‌زدی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 6 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں مزید 11 افراد کے شدید جھلسنے کی اطلاع ہے، جنہیں بغرض علاج ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ متوفیوں اور جھلس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس حادثے میں کئی گاڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ذاکر نگر کے جوگابائی گلی میں واقع قادری مسجد کے روبرو ہمہ منزلہ عمارت میں پیر کی رات تقریباً 2:30 بجے آگ لگ گئی، جو کہ اس عمارت کے گراؤنڈ فلور پر لگی، جس کی زد میں تقریباً کئی مکین آ گئے، جن میں سے چند افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ شارٹ سرکٹ ہی حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے کئی افراد نے عمارت پر سے چھلانگ لگا دی۔ متوفیوں میں ادیان، ذکرا، سوہا اور آمنہ کی شناخت کی گئی ہے، باقی دونوں کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ 8 فائر انجنز کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پراموز ساونت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے موبائل فونز میں ٹک ٹاک اور پب جی گیم ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس رکن روی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچوں کو اس طرح کے ایپ سے بچانے کے لیے ایجوکیشن بورڈ نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے، جس میں والدین سے ٹک ٹاک اور پب جی گیم ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ مودی حکومت نے جموں و کشمیر کو لے کر پیر کو تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ حکومت ریاست کے اسپیشل اسٹیٹس دینے والا آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر دنیا بھر سے رد عمل آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہنگامہ پڑوسی ملک پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے وہاں کے وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی عمران خان پر بھڑکتی نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی بات کرتے ہوئے عمران خان کو صرف بے وقوف بنایا ہے۔ ایسے میں عمران خان یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہے کہ ہندوستان کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا، آپ مسٹر خان ہندوستان کی پلاننگ کا اندازہ لگانے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ آپ کو بے وقوف بناتے رہے اور آپ بنتے رہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ سرحد پار کی حکومت کشمیر پر کیا کرنے جا رہی ہے۔ آپ یا تو پوری طرح ہندوستان کی تیاریوں سے بے خبر رہے یا پھر اس کا حصہ تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایریل سروے کرتے ہوئے میڈی گٹا بیرج کا کیا معائنہ۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا کے چرلاپلی کے ہاسٹل میں 8 سالہ لڑکے کا قتل۔ دہلی اور این سی آر میں موسلا دھار بارش، عام زندگی مفلوج۔ فاروق عبداللہ نہ نظر بند نہ حراست میں، پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ امیت شاہ کا بیان۔ اور دہلی کے ذاکر نگر میں آتش زدی کا واقعہ، 6 افراد ہلاک، متوفیوں میں بچے بھی شامل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔